अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हमारा टॉपिक है एफईसी फर्स्ट ईयर मैथ एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बुक पेज 134 से 134 पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.3 है। एग्जाम के लिहाज से बहुत अहम सवाल है। ये आप लाजमी इसका प्रैक्टिस करें और एंड तक मेरे साथ वीडियो देखें अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। अगर आपको इससे कुछ फ़ायदा हुआ या समझ आई तो आप ये वीडियो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आते हैं, सबसे पहले हम सवाल रीड करते हैं और उसका मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, गिवन क्या है और रिक्वायर क्या है। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ ऑल द नंबर, वो तमाम नंबर, उन तमाम नंबर का आप सम ऑफ मालूम करें डिविजिबल बाय 5, जिस पे 5 का टेबल पूरा पूरा जाते हैं, जो 5 से डिवाइड हो सकती है, उन तमाम नंबर का सम ऑफ मालूम करें जिस पे 5 का टेबल जाता है, लेकिन एक लिमिट है कहां से कहां तक, फ्रॉम 25 से लेकर और 350 तक, इन्हें 25 से लेकर 350 तक, वो तमाम नंबर जिस पे हम 5 का टेबल पढ़ सकते हैं या 5 से डिविजिबल होते हैं, उन तमाम नंबर का सम ऑफ मालूम करें। तो इसी तरह तो अगर हम लिखेंगे 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, इस तरह हम लिखते जाए बड़ा टाइम लगेगा। तो हम शॉर्टकट के जो तरीका कार है उससे हम करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं सोल्यूशन, फिर मैं लिख लूंगा द नंबर, द नंबर यहां से आपने स्टार्ट देना है, द नंबर्स, द नंबर्स विच डिविजिबल, डिविजिबल बाय 5 from 25 through 350 तक, वो नंबर हम लिखेंगे R, वो हमें यहां पे लिख लूंगा कि हमारे पास ये 25 है, 30 है, 35 है, 40 है। अब ये तो बहुत ज्यादा है, हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये कहाँ तक जा रही है, 350 तक। ये हम 25 से लेकर 350 तक है। अब हम इसमें हमारे पास अरिथमेटिक जनरल फंक्शन का जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले हम इस वैल्यू को नाम देंगे। ये इसमें हम लिखेंगे कि a1 हमारे पास 25 है और a2 हमारे पास 30 है, और जो हमारे पास an की जो वैल्यू है ये हमारे पास है 350, जो हमारा लास्ट नंबर बनता है वो an का इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास, हमने इसमें दो चीजें अभी सवाल में फाइंड करनी है। ये तो हमने फाइंड करना है d की वैल्यू, जिसे हम कॉमन डिफरेंस के नाम से जानते हैं, और एक हमने फाइंड करना है n, कि अगर हम ये 5 से डिवाइड करते हैं तो ये टोटल नंबर कितने बनेंगे, तो वो हम फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। तो d का हमारे पास बहुत आसान फार्मूला होता है, d इक्वल यहाँ पे मैं लिखूंगा a2 माइनस a1। तो इसमें वैल्यू पुट करूंगा a2 को हमने ये नाम दिया 30 है और a1 हमारे पास 25 है, तो यहाँ पे हमारे पास जो d की वैल्यू है वो तो 5 आ गया, क्योंकि 25 30 से 25 जाएगा तो 5 बचेगा। अब हमारे पास अरिथमेटिक जनरल फंक्शन का जो फार्मूला है वो हमने यहाँ पे जो है ना क्या करना है, यूज करना है। तो वो हमारे पास है इसी तरह की ए एन
इक्वल ए वन प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें अपने वैल्यू पुट करने हैं, तो इसमें मैं वैल्यू पुट करूंगा, ए एन की वैल्यू मेरे पास क्या है 350 है, ए वन की वैल्यू क्या है 25 है, एन हम फाइंड कर रहे हैं ये माइनस वन है और डी की वैल्यू क्या 5 है। तो अब ये आपके पास जो है 350 इसी तरह आ जाएगा, 25 भी इस तरह आ जाएगा, प्लस ये 5n के साथ ज़रब हो जाएगा 5n आ जाएगा, ये 1 के साथ ज़रब हो जाएगा मनफी 5 हो जाएगा, बाकी मैं उस साइड पे हल कर रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 350, उसके बाद ये 25 से जब ये मनफी 5 जाएगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, और ये आपके पास 5n आएगा, ये 20 जब इस तरफ शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, 5n आ जाएगा, ये 350 से जब 20 जाएगा तो 330 बचेगा और ये 5n आएगा। अब ये 5n जब मैं दोनों तरफ डिवाइड करूंगा, दोनों तरफ डिवाइड, 5 कैंसल, 5 वाले इस पे अगर हम टेबल पढ़ेंगे 5 तो 33 पे पहले जब पढ़ेंगे 5 6 30, ये 3 इस तरफ जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, तो ये 5 6 30, आप कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते। तो हमारे पास जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू ये हमारे पास आता है 16, ये टोटल नंबर 66 होंगे जिसमें 5 का टेबल जाता, इसका ये मतलब हुआ। अब हम इसको जो है ना जमा करेंगे, यानी सम ऑफ सीरीज फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ सीरीज के लिए आप यहां पे लिख सकते हैं कि नाउ सम ऑफ सीरीज, सम ऑफ सीरीज का हमारे पास फार्मूला होता है एस एन इक्वल एन डिवाइड बाई 2, और यहां पे हम लिखेंगे ए वन प्लस ए एन। अगर आप पहला ए एन लिखे फिर ए वन लिखे, इससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि प्लस करना है हमने, तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे पुट वैल्यूज। तो एस एन, एस एन तो हमने ये एन वैल्यू फाइंड किया, ये कितना आ जाएगा एस 66, एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 66 है, और ये हमारे पास है 2 है। इसमें हम वैल्यू फाइंड पुट करेंगे, ए वन की वैल्यू आपको याद होगी 825 है, और ए एन की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है 350 है। तो ये आप दोनों जमा कर लेंगे तो इसका कुछ ही समय करेंगे, ये आप इसके साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 33 आएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एस, ये 66, ये 33, और ये 25 और 350 जब हम जमा करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 375। अब ये आप इसके साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और आप साइड पर 375 डबल 3 मल्टीप्लाई 3 5 15 1 carry 3 7 21 plus 1 22 2 carry 3 3 9 9 plus 2 11। अब अगली बार हम फिर ये 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हिंसी इधर आ जाएंगे 5 2 1 1, तो आपके पास आ जाएगा 5 7 3 2 1, तो ये आपके पास आएगा 1 2 3 7। ये जो नंबर हम जमा करेंगे ये 12375 जवाब आएगा उसका, वो नंबर जिसके 5 वाला टेबल जो डिविजिबल बाई 5 था, यानी 25 से लेकर 350 तक वो जिसमें 5 वाला टेबल जाता है वो टोटल नंबर कितने बनते थे 66 बनते थे। अब उनको सबको हमें जब जमा करना है तो हमारे पास ये 12375 आंसर आएगा। मैंने इस तरह के आप इसको कैलकुलेटर से की मदद से आप कर सकिए। ओके, थैंक यू सो मच, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, वीडियो दूसरों क्लास में जरूर शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच।